पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार दिल्ली। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की श्रृंखला के तेरहवें दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि एक स्वागत प्रणाम में सागर जी महाराज की जय। कल हमने अरहम कीर्तन से पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरा था। आज इस आपदा काल में गुरुदेव ने पूरी मानव जाति पर अनुकंपा करते हुए औषध रिद्धिधारी मुनिराजों का आह्वान कर एक विशेष ध्यान कराने का मन बनाया है। तो हम सब मिलकर इस ध्यान को करें और संसार के सभी प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए भावना भाएं। सीधे बैठें, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी, ध्यान की स्थिति में आंखें बंद रखते हुए अपनी श्वास पर हल्का सा ध्यान देते हुए अपने मन को नियंत्रित करें। ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखें। इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं ऐसे साधु, ऐसे महायोगी जो अपने आत्म आनंद में लीन है, वह विराजमान हैं, जिनके पास इतनी क्षमता है कि उनके शरीर को स्पर्श करने वाली वायु से अनेक असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। आमर्ष औषधि को प्राप्त वह रिद्धिधारी साधु मुनीश्वर उनके स्पर्श की हुई वायु इस पृथ्वी लोक में यहां तक आए, ऐसी भावना से उनका ध्यान करते हुए उन औषधि रिद्धि को प्राप्त मुनीश्वरों को मैं अपने हृदय में उनका ध्यान करता हूँ, उनको हृदय से नमस्कार करके उनके ही शक्ति को प्राप्त करने की भावना करता हूँ। आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त मुनीश्वराय नमः। आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त मुनीश्वराय नमः। गहरी लंबी श्वास लेते हुए ऐसी भी रिद्धिधारी मुनीश्वर हैं इस भूलोक में, जो कहीं पर एकांत में विराजमान हैं,
जिनके मुख में बनने वाला थूक लार औषधि का काम करती है, जिन्हें छेल औषधि रिद्धिधारी मुनीश्वर कहते हैं, उनके मुख की लार और थूक से स्पर्शित हुई वायु भी जहां तक बहती है वहां तक रोगियों का रोग दूर हो जाता है। छेल औषधि रिद्धि प्राप्त मुनीश्वराय नमः। छेल औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। इसी धरती पर दूर कहीं एकांत स्थानों में तपस्या करते हुए योगियों को ऐसी रिद्धि प्राप्त है जिससे उनके शरीर में पसीना आदि आने के कारण से जो धूल चिपक गई है वह धूल वह उनके शरीर में लगी हुई मैल के रूप में जल कहलाती है। वह धूली भी औषधि का काम करती है। मैं उन जल औषधि धारी मुनीश्वरों को हृदय से याद करता हूँ। जल औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। जल औषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। अपने ही आनंद में निमग्न अनेक रिद्धियां प्रकट हो गई हैं, लेकिन फिर भी कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए एकांत स्थानों में निर्जन वनों में जो वास कर रहे हैं ऐसे योगियों में ऐसे भी योगी हैं जिन्हें ऐसी रिद्धि प्राप्त है कि जिनके आँख कान दांत के मैल भी रिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, जिसके कारण से वह मैल भी आँख कान नाक दांत आदि स्थानों का मैल भी औषधि बन गया है। मलौषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। मलौषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ऐसे तप ऐसा ध्यान जिससे अलौकिक शक्ति उस आत्मा में उत्पन्न हो चुकी है, जिसके फल से उस शरीर में बनने वाला मैल भोजन के बाद में बनने वाली विष्ठा भी जिनके लिए औषधि बन चुकी है, दूसरों के लिए वह विष्ठा भी औषधि का काम करती है। ऐसे विट औषधि रिद्धि को प्राप्त मुनीश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ। विदौषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। विदौषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। अनेक क्षेत्रों में अनेक तीर्थों पर संपर्क से दूर रहने वाले एकांत में वास करने वाले ऐसे मुनीश्वर हैं जिनके लिए
पूरे अंग प्रत्यंग, उनके बाल, उनके नाखून, शरीर के हर अवयव से स्पर्श होने वाली वायु औषधि का काम करने लग जाती है। ऐसे सर्व औषधि को प्राप्त मुनीश्वरों को मैं स्मरण करता हूँ। सर्व औषधि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। सर्व औषधि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ऐसे तप को धारण करके 12 प्रकार के उत्कृष्ट तपों से जिन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि जिनके मुख से निकला हुआ वचन अकाट्य हो जाता है, जिनके मुख में गया हुआ विष भी निर्विष हो जाता है, ऐसे आस्या विष वृद्धि को प्राप्त मुनीश्वरों को मैं स्मरण करता हूँ। आस्या विष रिद्धि प्राप्त मुनीश्वराय नमः। आस्या विष रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। अंतिम 8वीं रिद्धि औषधि रिद्धियों में ऐसी रिद्धि है जिनकी दृष्टि में, आँखों में वह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह जिधर देख लें उधर सब प्रकार के असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। वह जिधर अपनी जिस दिशा में दृष्टि फेंक दें उसी दिशा में कितने भी भयंकर दुर्भिक्ष हों, विष चढ़े हुए लोग हों, वायरस से पीड़ित लोग हों, वह सभी रोगों से उन रोगियों को मुक्ति मिल जाती है। ऐसे दृष्ट्या विष रिद्धि को प्राप्त मुनीश्वरों के लिए मैं स्मरण करता हूँ। दृष्ट्यविष रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। दृष्ट्यविष रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। सर्व औषधि रिद्धि प्राप्त मुनीश्वराय नमः। गहरी लंबी श्वास लेते हुए 8 प्रकार की रिद्धि, 8 प्रकार की औषधियों की रिद्धियों को प्राप्त मुनीश्वरों को एक साथ स्मरण करें। ओम ह्रीम अरहम अष्टविध औषध रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम अरहम अष्टविधि औषध रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीम अरहम अष्टविध औषध रिद्धि प्राप्त सर्व मुनीश्वराय नमः। भावना करें संसार का कोई भी प्राणी इस असाध्य रोग से पीड़ित न हो जिसको कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, किसी भी तरह का फ्लू हुआ है, किसी भी तरह की आकस्मिक बड़ी बीमारी हुई है। मैं भाव करता हूँ, मैं अपनी शक्ति यहीं से उसके लिए प्रवाहित करता हूँ, वह निरोग हो, वह निरोग हो, वह निरोग हो।
औषधि रिद्धि प्राप्त महामुनीश्वरों की शक्तियाँ उसकी व्याधि को दूर करें, उसकी व्याधि को दूर करें। सभी जीव सुख से जिएं, सभी जीव पूर्ण आयु जिएं। आचार्य गुरुदेव का यही भाव है, सभी जीवों को पूर्ण आयु जो मिली है उसका वह उपभोग करें। आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि वह अपने ध्यान की शक्ति से, अपने तप की शक्ति से चारों ओर निर्मित इस आपदा को दूर करने की भावना करें। उनके भाव से सर्वत्र शांति हो, सुख हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को घिसेंगे, आंखों पर रखेंगे, पूरे शरीर में टच करेंगे। जहां जहां आपको कोई कष्ट हो, दर्द हो, आपके हाथ एनर्जी से भरे हुए हैं, पूरे शरीर में उनका स्पर्श करेंगे इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति ही, ओम अरहम परम शांति ही। ध्यान के माध्यम से हम हर प्रकार की अदृश्य शक्तियों का आह्वानन कर उनसे अनेकों प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। सही विधि और पावन उद्देश्य से किया गया ध्यान स्वयं का ही नहीं अपितु पर के भी कल्याण का कारण बनता है। इस कोरोना महामारी के प्रकोप से सभी जीवों की रक्षा के लिए हम प्रतिदिन इस प्रकार का ध्यान करें और सभी जीव सदा निरोगी रहे, निर्भय रहे, ऐसी ही भावना भाए। अगर आप अरहम के विशिष्ट प्रकार के ध्यान करना चाहते हैं तो अरहम ध्यान योग के फेसबुक पेज से जुड़े और इस व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315536099। हमारी ईमेल है e@aram.yoga। हमारा फेसबुक पेज है अरहम ध्यान योग। कल के सत्र में पुनः एक नवीन प्रक्रिया सीखेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम नमः।